अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और कहता हूं खुशामदीद। जो रात के इस वक्त में जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तो हमारा प्रोग्राम तो देख सकते हैं और टीवी के सामने बैठ सकते हैं और आपको हम मिलवा सकते हैं। मैं बात सुन, ओए अपनी शक्ल तक मांगने वाली तुमसे यकीन कर, चौक में जाने वाला तुम्हारे जैसे। हमने ये सागवान से मुंह धोया, तू एजला घंटा लगी रही है। लाइव बिस्ती, लाइव बिस्ती बिल्कुल कोटा निकला ये आला। ए खुदा को भी कर ऐसा इज्जत करना यार के तू टिकटॉक पर है। ए तो बिजली टिकटॉक पर चलो जी बड़ी मशहूर है, तू तो असल करंट भी छटा है ना। ओहो तारा जैसे कई ना रोडा पर बेहोश होए पे और जब मैं लंगनी है ना मटक मटक के आहा ओ 1 2 वाले के नहीं कैसा तूने नहीं टेंशन ना के असा के बेहोश का। हां जी अरे चले जी प्रपोज करें कुछ बात मैं करा इतनी करनी था भाई मिलती आपको मैं प्रपोज करें। अच्छा चले आप करें इधर 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 मुंह करें। आप थोड़ी देर के लिए माड़ी मोटी नासों को अवॉइड करे ना और सुनिए नासा लिए आई लव यू। चलो शुक्र है तू ए ते अपने आप पर साबित किया कि तेरी मोटिया नासा तो तोड़ियां तो चुई है ना चुई चिमटी नासा लिए मारे नाल प्यार कर ना वे मारे नाल प्यार कर को मैं तेरे नाल नेका करके ए दो एक दर्जन बच्चे पैदा कर सो फिर मुल्क को कौम की तरक्की की तरफ सोचेंगे हम। ए हाथ तले शोहर के साथ ऐसी गुफ्तगू नहीं करते नीचे एक रख के दूंगी रख के फिर छो दे निकाह ते कड़काओ पहले तुम हस्ती है ना बच्चे कम ही अच्छे आप चुप कर दो भाई बच्चे खुशहाल दो बच्चे ओ जी हमारा अपनी बात है आपको क्या है। वह एक बात बताऊं यासीन मलिक साहब। अच्छा आप मुझे ये बताइए राय साहब जी जी आपको शौक कहां से पड़ा टिकटॉक का। एचकुली एचकुली जी बोले 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 आपको इंग्लिश नहीं आती तो चली जाए समझ नहीं आती तुझसे पूछ रहे मुझसे पूछिए आई डोंट नो एक्चुअली होता है एक्चुअली बड़ा आया टिकटॉक एक्चुअली मैं एक्चुअली एक दफा रवाद बस से लग लग रहा था अब्बल लग रहा था बस से लग रहा था लग है आप इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं चिट्टा इसको घूर घूर के देख रहा है चिट्टा और चिट्टा नहीं कहते किसी को चिट्टा क्यों नहीं कहते बस से उतरा मैं मंडी मवेशा चला मंडी मवेशा में चला गया वहां पे जो ना मैंने बकरा खरीदना था। अच्छा मैंने बकरा खरीदा कल उन्होंने कहा बकरे की तस्वीर बना के भेज मैंने तस्वीर बना के भेजी और उन्होंने समझा कि टिकटॉकर है वहां से मैं टिकटॉकर बन गया। मलिक साहब बकरे के साथ तस्वीर बना के घर भेजी तो लोगों ने समझा को बड़ा टिकटॉकर है ठीक है जी। और उसके बाद ना समझ ही लगे बकरा कौन सा मैं कौन सा। इसके घर में लोग क्या कर रहे थे वैसे सोचने वाली बात है कुर्बानी का बकरा देना था उन्होंने पिक्चर तो घर में भेजी ना घर में भेजी लोगों ने देखा ना जब वहां झूम था उन्होंने कहा बहुत बड़ा टिकटॉक वायरल हो गया। सर जी साहब आपको कहां से इंस्पायर हुए। अच्छा मलिक साहब मेरी बात सुने बात सुने एक मुझे पता है मलिक साहब कहते हैं मुंह से बात करें। अच्छा आप एक्सक्यूज मी आप चुप कर दें मेरी बात सुने मुझे पता है कैसे शो हुआ टिकटॉक का। ये आपने देखा टिकटॉक वालों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं ये ट्रेनों के नीचे आए हैं लेकिन देखें फिर भी टिकटॉक उन्होंने बनाई मैं इंप्रेस हो गया तो मैंने फिर लगता नहीं है कि गलत है अपनी जान दे देना और टिकटॉक के लिए और ओ नहीं मलिक साहब आपको कुछ पता ही नहीं है मशहूर हो गए नशा होता है नशा टिकटॉक पर नशा होता है क्या होता है इसके ये नेटवर्क तो नहीं निकल जाती वो मशहूर है ये मेरे मशहूर हो गई है और मेरा पिंडी का बाजार राजा बाजार राजा बाजार राजा बाजार इतना मशहूर है मेरी बहुत सारे मौड़े मेरे रोमांटिक गाने बहुत मशहूर है ना अली जे 53 पे आप आए ना हर गोने पे मैं ऐसा परफॉर्मेंस करता हूँ ना अल्लाह की कसमें लड़कियां देखती हैं उनका दिल काऊं काऊं करता है। आप सुनाए कौन से मेरी फॉलोअर लड़कियां बहुत है। अच्छा बस वो मुझे पसंद बहुत करती हैं। सिरका पहन के डांस करते हैं। जेलिस लोग, जेलिस लोग। अच्छा आप घर ये राजा बाजार से निकल ही नहीं सकते। इनको पता ही नहीं बैरिया में नया। बस बस। और बस नहीं है ट्रक तू दे आप रख शायद। मुझे मेरे ख्याल से खुदकुशी करनी पड़ेगी। तभी जाके फेमस होंगी। एक मिनट ठहरो निकाह कड़काए बगैर निकाह जायज कराओ पहले निकाह पढ़ाओ फिर खुदकुशी। चलो चल निकल। इसके साथ शादी खुदकुशी है ना करना। क्यों करूं? खुदकुशी के बाद लोग आते हैं बड़े बड़े गमले लेके।
गमले नहीं भूखे लेके आते, फूलों के ढेर लगे होते आपके गाना कौन सा मशहूर हुआ था पहला? मेरा गाना मशहूर है तेवी नैनों ने कीता ऐसा जादू माड़े ते वे सोनी आँखां वाले मैं रह गई तेरे ते। मेरे बहुत सारे गाने हैं, मैं सारे करूंगा तो पूरा प्रोग्राम रखना पड़ेगा। चिंडी का प्रसाद, राजा प्रसाद, राजा प्रसाद, राजा प्रसाद। अबे इंसान ने पूछो बच्चे बनो हुए तुझे की पता नहीं, दो खैसपूरत लोग इधर शो में बैठे इतने खैसपूरत। चिटे इनको समझाओ, चिटे वो एथियोपिया तो बैल बॉय है ना। अच्छा कोई गाना सुनाया जी, आप सारे लेके गाना सुनाना है, गुनगुनाना है। चले आज हम इधर हंसा रहे हैं ना यासीन साहब, आज मैं चारों को ऐसा गाना सुनाऊं कि जब आर्टिस्ट नहीं रहते दुनिया में तो उनको याद करें आप, ठीक है? बहन जी सुनाए। हम न होंगे तो तुम्हें जाने वफा याद आएगी हमारी बातें, याद आएगी हमारी बातें। हम न होंगे तो तुम्हें जाने वफा याद आएगी हमारी बातें, देख के कौन तुम्हें इस तरह शर्माएगा, कौन उलझे हुए इन बालों को सुलझाएगा। क्या कहने, देखे आवाज बुलाओगे किसे, हाल दिल अपना सुनाओगे किसे, खुद को महसूस करोगे तन्हा, चिट्टे याद आएगी हमारी ना से। चलो मनी गई, आप गले के बगैर सुना, ये मोबाइल पकड़े बार बार गिर रहा है, बस क्या करूं। सुनाए जी। एक प्यार का नगमा है मौजों की रानी है, जिंदगी मेरी कहानी यार। उधर उधर वो देखो सो गए भाई जान। हेलो मैं बैठा हूं तो इनको जगाऊं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी जनानी है। ये संगाड़ा है। अच्छा एक दफा चले एक्सक्यूज मैंने गाना गाया चिट्टे करने ना पाए मैं भूलूं तो तू मर जाए, तू भूले तो तू मर जाए प्यार का बहाना। अच्छा गया, अच्छा गया। ए नहीं फसदी चिट्टे नु बुलाए साजिश गाना साजिश मोशन लग गए थे मोशन इशू से ये 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 क्या
भाई बात बदहज़मी की, इंसल्ट वाली कौन सी बात है? मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए, मेरा शो खत्म कर दे, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में ना बैठ के मेरी इंसल्ट हो रही है। बीच में बैठ के रोमांस हो रहा है। चले जी आप सुनाएं, आप सुनाएं, सुनाएं मेरी बात तो प्लीज। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया, मेरे भाई ने मुझे कहा पापा ने ये आज के बाद टिकटॉक नहीं बनानी, ये पूरे बंदों की बात होती है कि अच्छा काम नहीं होता। मुझे बड़ी ऐसे लंबी जोड़ी 30 साल यकीन जाने मैं बड़ा इमोशनल हो गया, और उसके बाद मैंने टिकटॉक छोड़ दी, मैंने गायकी शुरू कर दी। जी अरे गाना सुनाओ भाई। गाना एक आपकी नजर करता हूँ जी, आप क्या बात है, आपके हम फैन है आपके। एक कड़ा हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई आओ कर ले, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते। अबे एनसॉन भी पुत्र बनो ए, ओ चिट्टे इनको एनसॉन बनाओ यार। अच्छा मैं नदीम की तरफ जाऊंगा जी, नदीम भी काफी आ जैसे। नदीम एंजॉय कर रहे हैं आप टिकटॉकर्स को? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं, तो इसी के हिसाब से मुझे कुछ याद आ रहा है कि आज ऐसी कोशिश करने जा रहा हूं, आज ऐसी कोशिश करने जा रहा हूं कि जैसे अपनी कमर खुजला रहा हूं, इश्क की बातें वो भी अपनी बेगम से, ऐसे लगता है कि जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहा। वाह वाह वाह, इतनी खूबसूरत औरत बैठी साथ, उसको भैंस कहेंगे? कोई छोड़े, यकीन करो कि बिल्कुल कोई छोड़े, चिट्टे से भी ज्यादा प्यारा। अच्छा चले चले, एक और कथा। या अल्लाह बचा ले अजाब दुनिया से, बचा ले अजाब दुनिया से, अब मुझसे गुजारा नहीं होता। दोबारा, या अल्लाह बचा ले अजाब दुनिया से, अब मुझसे गुजारा नहीं होता, अगर यही सजा है तो सरे खम तस्लीम, मगर सच तो यह है मेरा भी एक बीवी से गुजारा नहीं होता। मैडम ये टिकटॉक है, ये क्या है, ये क्या मखलूक है, क्या कहेंगी सर? ये मखलूक है, आप कोई और जानवर से कहा? सुन ले, सुन ले, सुन ले, बहुत जोर से आया हुआ, इसको इधर ही कर देंगे। सुनाए बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, क्या शेर का, ये शेर अच्छा था आपका, ये मैं फिर कह रहा क्या कह रही थी, साइकिल पे साथ सुन के बच्चे बनो, सुनो क्या कह रही है। चलो ना साथ चलते हैं, चलो फिर चलिए, चलो अभी चले, नहीं अभी चले, या प्रोग्राम बंद होने के बाद सुन लो तो फिर चलना। अच्छा फिर ठीक जी, वाह वाह वाह, चलो ना साथ चलते हैं समुद्र के किनारे तक, किनारे पर ही पता चलेगा किनारा कौन करता है। समंदर को अंदर से वाह वाह, ओए इसको समझ ही नहीं आई, राजा बाजार को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है आपका? क्या हाल है? ठीक है आप? पहली बार आप बैठे हैं, आपको क्या लग रहा है बंदों में बैठ के, इंसानों में कैसा लग रहा है? इधर तो ठीक है, उधर नहीं, नहीं उधर क्या है, इधर तुमको चूड़ी मारी है हमने, चिटे हमारी ये मौलवी फतेह मोहम्मद है ना, लग रहे हैं
हम तुम सारी बातें छोड़ो, हाय हाय एक कदे झूठी बोली से इस चेहरे ना नूर इंसान ने पुत्र बनो, चिट्टे को बोलने दो, चिट्टिया बोल। कौन सा फरिश्ता, कौन सा फरिश्ता? मौत ना फरिश्ता है। अल्लाह की कसम जब ये नाता है पूरे मले के बच्चे दुआते लेके बाहर बाथरूम के बाहर खड़े होते कहते हैं हमको सही चाहिए। फायदा तो हो रहा है ना आपकी नरकों से, क्या फायदा हो रहा है? मुल्क में खुतरे पैदा हो रहे हैं जो आपको देख रहे हैं। क्या क्या सर है कुछ नहीं पैदा हो रही है। बहुत अच्छा कहा है, उसने बहुत ही अच्छा कहा है कि ऐसे लोग सब्जियों की शक्ल में जो होते हैं ना वो सब्जी मंडी में पाए जाते हैं। ऐसी चीजें खुड़ में पाई जाती है। प्रपोज करने लगी चिट्ठे जुगत मारी है ना मेरा उसी आयो डॉल चिट्टा गुस्से में आ गया है। इंसान नहीं है वो, चिट्टा मारा है वो मार ना कैसा पादिया ऐसा गुरु आख्या था ना। अच्छा हां वही है, एक लड़का आपको टफ टाइम दे रहा है, एक लड़का आपको टफ टाइम दे रहा है। वैसे अगर जे मिस्टर डीज के पास है ना लारा, ये हमारे पास है खारा। और अगर बैट्समैन तो किन जा क्रिकेट खेलते हैं? अपनी शक्ल ने मुताबिक ना क्या चिट्टा अब्दुल शकूर चिट्टा यार चिट्टा तो इसकी छेड़ ही ना यार आप कुछ बोले नदीम साहब सारे चुप करें। ए कुड़ी तू की आनी आई लव यू। आप शादीशुदा हैं? जी। कितने बच्चे हैं आपके? तो कह रहे मुझे स्टार्टिंग में ही। शादी तो बाद ही ते सड़े हैं। शुक्र है जी बात किया। देखा टिकटॉकर्स ये होते हैं टिकटॉकर्स, देखा नहीं तो प्यार हो गया। मेरे स्टार्टिंग में ही ना भी हो गए। आप इनसे पूछ रहे हो कभी वीडियो के लिए इधर आ जाते हैं ये मैं सर कह रहे हैं। और सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ टिकटॉक बनाऊंगा, अपने भाई के साथ बनाऊंगा। भाई मैडम कुछ बोलेंगी और मैं प्रोग्राम को माइंड की तरफ जाऊंगी। टिकटॉकर्स के लिए स्पेशल कि टिकटॉक जरूर बनाएं। मेरा एक मैसेज है छोटा सा कि टिकटॉक जरूर बनाएं लेकिन अपनी जिंदगी की सेफ्टी करके और सबसे जरूरी बात के अपने वालिदैन का एहतराम करके,
कि उनको भी देखें अपनी टिकटॉक में मशहूर ना रहे कि हम टिकटॉक बना रहे हैं देख नहीं रहे और डेथ हो रही है गिर रहे हैं ऊंचाइयों से बना रहे हैं ये वो, तो इस तरह नहीं होनी चाहिए। कम अज़ कम अपने वालिदैन का ख्याल करें, अपने बड़ों का ख्याल करें और टिकटॉक को एक अच्छा मोड़ दें, उसको ऐसा मोड़ ना दें कि लोग कहें कि ये टिकटॉक से लोग ख़राब हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा मोड़ दें टिकटॉक को, टिकटॉक के ज़रिए एक अच्छा मैसेज कन्वे करें जिससे लोगों को लोगों में इस्लाह हो, बच्चों में इस्लाह हो, अच्छी तरबियत हो बच्चों की। टिकटॉक के ज़रिए गंदी तरबियत ना हो या टिकटॉक के ज़रिए बच्चे गलत सोहबत में मुबतला ना हो। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग टिकटॉक बनाएं लेकिन बहुत अच्छी और नसीहत आमोज, जिसमें कोई ना कोई आपका अच्छा पहलू हो जिसे देख के लोग फॉलो करें। अच्छा, थैंक यू सो मच जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आप लोग यकीनन ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और जो सारों ने बातें की, हमारा मतलब किसी की तजदीक करना नहीं होता नाज़रीन, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना होता है और मुस्कुराहट किसी भी लफ्ज़ से किसी भी तरीके से किसी भी हरकत से आए, आर्टिस्ट का यही काम होता है कि वो आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरे। टिकटॉकर्स हों, फेसबुक के लोग हों या यूट्यूबर्स हों, आपको एंटरटेन करने के लिए ये लोग भाग दौड़ करते हैं और आप लोगों की मोहब्बत का सामान करते हैं। हम लोगों ने एक कोशिश की, अली जेब पूरी दुनिया में मशहूर आर्टिस्ट हैं हमारे पास जो एज ए सिंगर अपना लोहा मनवा रहे हैं, नयाब मुख्तलिफ किस्म हमारी फिल्मों में कर चुकी हैं, राजा ताहिर मुख्तलिफ किस्म के आपको पटवारी ड्रामों में और मेरी टीम का हिस्सा रहते हैं, हर जगह आपको मुख्तलिफ निजी चैनल्स में नज़र आते हैं, साजिद राजा मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आते हैं, मलिक डॉक्टर सुल्तान जो है ये भी मुख्तलिफ आपको नज़र आएंगे जगहों पर, ये भी टीम तीनों जो बैठे हैं ये भी टैलेंटेड लोग हैं। हमारा सिर्फ मकसद एक है और वो मकसद है आप लोगों को उस तरफ लेकर आना, आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएं ताकि आपको लगे कि खुद आप जब इन पांचों को आज देख रहे होंगे यकीनन आपको एम्बेरसमेंट फील हो रही होगी कि हम लोग ये हरकतें जाके किसी इवेंट में या किसी निजी महफिल में करते हैं तो कितना बुरा महसूस होता है। यही हमारा मकसद था, अगर आपको बुरी यादें लगें तो कोशिश करें अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करें, अच्छे शायरी करें, अच्छी बातें करें, हो सकता है आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी संवर जाए और मुल्क पाकिस्तान का एक बशिंदा और जो है वो अच्छे रास्ते पर लग जाए। इस नगमे के साथ हम जो है वो इस गाने का इख्तिताम करेंगे, अली भाई गाएंगे ऐसी जमीन। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, इनके सिवा जाना कहाँ, चिट्टे चलती रहे ये रोशनी, चिट्टे चलता रहे ये दिल, दिल पाकिस्तान जा जा, जा पाकिस्तान सबको जी जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है, हमको भी अपने हर मान से प्यारा लगता है, तारा लगता है, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।